आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पूरे बिहार प्रांत से आए गर्दनीबाग पटना में वार्ड सचिव संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज चौथा दिन भी जारी रहा। बताते चलें कि अस्थायीकरण और मानदेय वेतन की मांग को लेकर गर्दनीबाग पटना में 114,651 वार्ड सचिव संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज चौथा दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। इस दौरान धरना पर बैठे वार्ड सचिव से मिलने आज लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे और सभा को संबोधित भी किया। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे तमाम वार्ड सचिव को संबोधन करते हुए लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्या कहा, आइए एक नजर डालते हैं इस लाइव वीडियो पर। विनय कुमार की रिपोर्ट। आपकी हर एक मांग का पूर्ण समर्थन करती है। ये मैं आपको मानता हूँ कि लगभग पिछले 4 साल से आप लोगों ने दिन रात एक कर दिन रात आप लोग घटे हैं पिछले 4 साल बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मामले के। आने वाले समय में राज्य सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री, उसके बाद आने पर 4 साल के बाद आप लोग सेवाएं देने के बाद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, जिसकी वजह से आज रातों रात आप लोगों को सड़क पर आने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मजबूर किया है, उनके इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। मैं अपनी तरफ से साथ जरूर आप लोगों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझसे जितना बल पड़ेगा मैं राज्य सरकार पर दबाव डालकर उनको पत्र के माध्यम से उनको इस बात की सूचना देने का मैं जरूर कार्य करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। पर साथ ही में मैं आप लोगों से भी आग्रह जरूर करूंगा, मैं आप लोगों की इस बात के लिए हिम्मत जरूर मांगना चाहूंगा कि लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हमारे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार या बिहारी वर्ग का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने लाखों ऐसे बिहारियों को आंदोलन करते हुए देखा, सड़क पर देखा, अब बिहारी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, बहाली जो इन लोगों ने निकाली उसकी नियुक्ति को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, निरंतरता में बिहार में लाखों करोड़ों बिहारी इसी तरीके से आज की तारीख में सड़क पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुनीतियों की वजह से। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप मुड़कर कान में तेल डालकर ये सरकार बैठी है, अंधी बहरी ये सरकार है, ये सरकार को बिहारियों की असुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जहाँ एक तरफ मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं राज्य सरकार पर दबाव डालने का कार्य करूँगा और उनसे ये आग्रह करूँगा कि वो जल्द से जल्द जो आदेश उन्होंने दिए हैं उस आदेश को ये वापस लेने का। ये हिम्मत बांधने का आग्रह करूंगा कि संभवतः हम लोग की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मेरा इतना अनुभव है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर किसी बात का डर नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सुनी होती है, उनको बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं। इसीलिए निरंतरता में हम लोगों ने देखा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं धरना देते हैं या ऐसे पीड़ित परिवार जिनके घर में कोई घटना घटती है, एक जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं देखे कि कभी वो किसी धरना प्रदर्शन में बैठे के लोगों से मिले।
या कहीं भी किसी पीड़ित परिवार जहाँ पे कोई घटना घट रही हो उन पीड़ित परिवारों से मिलने तमाम ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने मुजफ्फरपुर में भी किस तरीके से कितने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उनकी आंखें निकाल ली गई क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक परिवार से मिलना जरूरी है, यहाँ पर जहरीली शराब पीने से कितने परिवार ने अपने सदस्यों को अपने परिजनों को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक व्यक्ति से मिलना जरूरी है। अपराध की वजह से लोगों की जान जाती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति के पास जाकर उनके आंसू पोंछना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग भैया सड़क पे हो, सुखी हो, दुखी हो, ठंड के इस मौसम की गड़गड़ाती ठंड में महिलाएं यहाँ पर बैठ गई, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे युवा पीढ़ी के साथ यहाँ पर बैठे हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठ गई, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे युवा पीढ़ी के साथ यहाँ पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फर्क नहीं पड़ते कि हम लोग ठंड में ठिठुरते रहे, हम लोग की जान ही क्यों न चली जाए पर वो अपने कमरे में आलो शान की ओर जिंदगी जी रहे हैं, उनको हमारे दुख से फर्क नहीं पर हम आप लोग की बात जाए से उनको फर्क पड़ना चाहिए और अगर नहीं फर्क पड़ेगा तो हम लोग पूरी ताकत से उनके ऊपर दबाव डालेंगे। अंत में साथियों बस ये वादा आप लोगों से करके जाऊंगा कि मैं अपने माध्यम से पत्र के माध्यम से और विभिन्न और तरीकों से उनसे संपर्क साधकर विभिन्न विभाग से संपर्क साधकर मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं न सिर्फ उनकी जानकारी में इस विषय को दूंगा बल्कि जो आदेश उन्होंने दिया है और एक पत्र के माध्यम से लगभग 1,15,000 लोगों के भविष्य को जो उन्होंने अंधकार में डाला है उस पत्र को उस आदेश को वापस लेने का उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। जिंदाबाद 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 ये विश्वास आप लोग आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7 सब पर नजर सबकी खबर।